Dear students, good morning all of you. Today we have to start our chapter 2, standard 7, maths. Okay, so are you ready? Be ready with your notebook. अब हम आज यहाँ पे conversion सीखेंगे, express in the decimal fraction. अब यहाँ पे जो भी number है, 3 पैसा is equal to 10 rupees. तो 3 पैसा को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए 3/100 करेंगे, क्योंकि 1 रुपीस इज इक्वल टू 100 पैसा, और 3/100 आएगा तो आंसर आएगा 0.03, क्योंकि 3 है यहाँ पे, दो जीरो है तो आगे एक पॉइंट लिखना पड़ेगा. सो दिस इज़ योर आंसर 0.03. ओके, ऐसे आपको नोटबुक में लिखना है आंसर. देन नाउ नेक्स्ट, 12 पैसा इज इक्वल टू 10 रुपीस, तो 12/100, क्योंकि 1 पैसा इज इक्वल टू 100 रुपीस होता है, तो 100 से हम डिवाइड करेंगे, तो 100 से 12/100, दैट मीन्स 0.12. यहाँ पे ऑलरेडी दो पॉइंट है, दो नंबर है, तो कुछ जीरो लगाने की ज़रूरत है नहीं. सो आंसर इज हियर 0.12. ओके, देन नाउ नेक्स्ट, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रुपीज़, तो 5/100, तो 100 दैट मीन्स 0.05. पहले हमने सीखा है उसके जैसा है 0.05. देन 17 सेंटीमीटर, तो 17/100, तो 100 करेंगे तो 0.17 आएगा. सो दिस आंसर इज 0.17. सो दिस वे, सी ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सेंटीमीटर मीटर और रुपीस पैसे में एक ही टाइप के होंगे. नाउ किलोग्राम ग्राम. अब किलोग्राम ग्राम में क्या होता है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, इसलिए हमको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 5/1000 दैट मीन 0.005. 5 के ऊपर नीचे 30 है, इसलिए 3 डिजिट में होने चाहिए पॉइंट के बाद, तो 1, 2, 3 लिखा. अब 3 नंबर नहीं था इसलिए मैंने 2 जीरो लगा दिया, राइट. सो इट इज़ 0.005. सेम 17/1000, किलोग्राम को ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो 17/1000 0.017, क्योंकि 2 डिजिट तो है, 017 हो गया. सो आंसर विल कम 0.017. अब 236, ऑलरेडी 3 डिजिट है तो जीरो लिखने की ज़रूरत है नहीं. सो दिस आंसर विल गेट 0.236. ओके, सो ये खास ध्यान रखना है, अपॉन में जितने जीरो है उतना पॉइंट के बाद नंबर आना चाहिए, अगर उतने नंबर नहीं है तो नंबर के आगे जीरो लिख देंगे. ऐसे ही जैसे किलोग्राम ग्राम, ग्राम टू किलोग्राम किया, ऐसे ही यहाँ पे होगा मीटर टू किलोमीटर, बराबर, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 5/1000 दैट मीन 0.05, आंसर 0.05. 25/1000, सो आंसर विल कम 0.025, बराबर ना, क्योंकि 3 डिजिट आने चाहिए. अब 3 डिजिट ऐसे आएंगे, लेकिन 3 डिजिट नहीं है तो एक जीरो लगा दिया. किलोग्राम ग्राम में कैसे किया, ऐसे ही मीटर किलोमीटर में करना है, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, इसमें भी क्या आएगा 0.365. सो हियर 0.365. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दिस वे यू हैव टू राइट डाउन, दिस इज़ इन योर नोटबुक. देन नाउ वी हैव टू राइट नेक्स्ट, जैसे किलोग्राम ग्राम में किया, रुपीस मीटर किलोमीटर मीटर में किया, ऐसे ही लीटर में लीटर में करेंगे. अब इसमें भी 3 है 3/1000 है, तो 0.003, और यही आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है 0.003. अब 26 मिलीटर, तो 0.026, अब तो आपको आ गया, बराबर, ये आपको प्रैक्टिस हो इसलिए मैंने ज़्यादा दिया है. अब 568 मीन 0.568, सो आंसर 0.568. तो आगे जैसे किया है ऐसे ही आपको करना है. अब ये आपका नया क्वेश्चन है, उसकी जैसा ही है, जैसे ये 5 रुपीज़, तो 5 रुपीज़ का 0.5 होगा, और ये 2 प्लस करना है, 2 रुपीज़ 5 रुपये, मतलब ये 2 रुपीज़ ये 0 में प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.5, राइट. सो दिस इज 2.5 रुपीज़. ऐसे ही 13 है, तो 6 पैसा मतलब 0.6, ये हमने आगे सीख लिया. अब ये 13 ये 0 में प्लस करेंगे
रियल में क्या होता है देख लो, ये घड़ी घड़ी हम लिखेंगे नहीं, ये 13 नहीं है, 13 प्लस पॉइंट जीरो है और उसके नीचे हम 0.6 लिखते हैं, तो 6.31, सो दिस इज 13.6। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आए ऐसे हमको एडिशन करना है, राइट। 56 रुपीज़ 23 पैसा, अब 56 रुपीज़ 23 पैसा दैट मीन्स इट इज़ 56.23, राइट, 56.23। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वे यू हैव टू राइट डाउन दिस ऑल द कन्वर्जन। 3 किलोमीटर 7 मीटर, अब 3 किलोमीटर 7 मीटर मीन्स होगा 3.007, सो आंसर विल कम 3.007। नाउ 12 किलोमीटर 82 मीटर, अब 82 मीटर का हमने लिख दिया है 0.082, तो ये 12 ये 0 के अंदर ऐड होगा, पॉइंट तो पॉइंट ही रहेगा, तो 12.082 किलोमीटर। ऐसे ही हमारा ये क्वेश्चन आएगा आगे, 12 किलोमीटर 365 मीटर, दैट इज़ ऑफ 12.365, सो यू हैव टू राइट हियर 12.365, सो हियर 12.365 किलोमीटर, राइट। देन नाउ सेम किलोमीटर मीटर में जैसे किया, रुपीज़ पैसे में जैसे किया, ऐसे ही यहाँ पे किस में करना है, किलोग्राम ग्राम में करना है, सो किलोग्राम ग्राम में भी करने के लिए ऐसा ही करेंगे। दिस इज़ 5 किलोग्राम 7 ग्राम, ओके, सो दिस इज़ 5.007, तो 5.007, सो 5.007 किलोग्राम, राइट। अभी ऐसे ही 36 है, तो 36.25 है, तो 0.025 होगा ना, तो 025, तो 36.025 किलोग्राम। ध्यान रखो पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं नीचे, जितने 1000 में 30 है तो पॉइंट के बाद भी 3 नंबर आने चाहिए। यहाँ पे 52123, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 52.123, दैट मीन 52.123 किलोग्राम। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वे यू हैव टू राइट डाउन ऑल आंसर कन्वर्जन एक्सप्रेस इन डेसिमल, ऐसे मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर मीटर रुपीज़ पैसा, ये आपको वीडियो में बता रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके आप ये सब लिख सकते हो, ओके। ये 1 से 22 मैंने आपको दिया है, दिस इज़ योर क्लास वर्क एंड होमवर्क, ये आपको लिख दो नोटबुक में। और देखो ये पूरा मैं बता रहा हूँ पूरा वीडियो, ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क, देन यू राइट डाउन दिस इज़ इन योर नोटबुक। ये दो क्वेश्चन, ये विच इज़ ग्रेटर पहले से सब पढ़ाया था मैं आपको, तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको नोटबुक में लिखना है, ओके। दिस इज़ योर होमवर्क, एवरीवन मस्ट राइट डाउन दिस होमवर्क, ये और ये तीनों होमवर्क में आपको पूरा करना है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जाएंगे डेसिमल नंबर के मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखेंगे, ओके। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।